महक अंदर जाओ। तो इधर 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 कहाँ अंदर जाओ, ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बहुत बड़े बदमाश हो तुम, समझते क्या हो अपने आप को? अरे हो गए अपने घर के बड़े, अमीर बाप के बेटे, जिंदगी अजीरन करके रख दिए तुमने हम लोगों की। सो अकरम भाई शरीफ आदमी है, चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन मियाँ दो चार बदमाशों से हमारी भी वाकफियत है। उनको बुला लूंगा ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी तुम्हारे। कौन कौन है? हाँ है। खराब है? नहीं। कॉल करके बुला लो, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ। अच्छी बात है, मुलाकात भी हो जाएगी उनसे, हमारे जैसे होंगे। और अगर नहीं बुला सकते ना तो मुंह बंद करके बैठना, मेरी पिस्टल भी असली है और इसमें मौजूद गोलियां भी। तुम तो बाप भी नहीं हो महक के यार, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बिना सोचे समझे गोली मार दूंगा तुम्हें। मैंने जिंदगी में कोई भी चीज किसी से मांग के हासिल नहीं की, आज पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी नहीं पा रहा मैं, अगर मैं जी नहीं पाया ना यहां किसी को जीने दूंगा नहीं। तो मरने से अच्छा है ना इसकी शादी मुझसे कर दें आप, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे करूं मोहब्बत करता हूं आपकी बेटी से, शादी करके इज्जत के साथ रखूंगा। देखो महक तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही हम इसकी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं मैं आपसे कितनी नफरत करती हूं। अगर आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी कितनी तकलीफ में है तो शायद आप भी खुद से उतनी नफरत करें। और अगर तुम्हें पता चल जाए मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। नफरत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ नफरत। कितना मजाक उड़ाओगे मेरी बेबसी का, और कितना बस कर दो कि सोच कहीं शर्म कर लो कि तुम्हारे बाप की उम्र का तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ा, इसी की कुछ लाज रख लो, कुछ शर्म कर लो। कमाल हो गया, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही आप लोगों की शायद। ठीक है, 3 दिन के बाद आऊंगा निकाह के लिए। काजी को बुलाने की जहमत ना कीजिए, मैं ले आऊंगा। खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना, और फिर से गायब होने के बारे में तो सोचना भी नहीं। कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं तो जितने लोग हैं ना यहां मौजूद उन सबको मार के जाऊंगा। अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, अच्छा।